मुंबई उपनगर की 20 सीटों पर इस बार चौंका देने वाले चुनावी नतीजे सामने आए हैं। आपको बता दें कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुंबई की जो 36 सीटें उस पर काफी ज्यादा चौंका देने वाले चुनाव नतीजे सामने निकल कर आए। भिवंडीपुर की बात की जाए तो भिवंडीपुर में रईस से सपा के उम्मीदवार रईस शेख ने जीत दर्ज की है, और वही भिवंडी पश्चिम से विधानसभा क्षेत्र से जो है इस बार महायुति बीजेपी के महेश चौगले ने हैट्रिक लगा दी है। वही भिवंडी ग्रामीण से शिंदे गुट के उम्मीदवार विधायक शांताराम मोरे ने इस बार हैट्रिक लगाई है। वहीं कल्याणपुर से बीजेपी के प्रत्याशी सुलभा गणपत ने इस बार हैट्रिक लगाई है, और साथ ही कल्याण पश्चिम विधानसभा सीट से इस बार दूसरी बार जो है महायुति के उम्मीदवार विश्वास भोई ने जीत दर्ज की है, और कल्याण ग्रामीण से इस बार शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार राजेश मोरे ने मजबूत जीत जो है दर्ज की है। मीरा भाईंदर की बात की जाए तो मीरा भाईंदर भी काफी हॉट सीटों में से एक है, और मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र से इस बार भाजपा के उम्मीदवार नरेंद्र मेहता ने अपना जो है लोहा यहां मनवाया है। और इसी के साथ साथ उल्लासनगर में इस बार उल्लासनगर विधानसभा सीट पे भाजपा के उम्मीदवार कुमार आईलानी ने जो है जीत दर्ज की है। अंबरनाथ विधानसभा सीट से इस बार शिवसेना शिंदे गुट के बालाजी किनीकर इस बार चौथी बार उन्होंने जीत जो है दर्ज की है। ये चौथी बार अंबरनाथ से शिंदे गुट के उम्मीदवार बालाजी किनीकर ने जीत दर्ज की है। वहीं ओवला माझीवाड़ा से इस बार शिंदे गुट के उम्मीदवार जो कि महायुति से हैं सरनाइक, लगातार ये चौथी बार उन्होंने जीत दर्ज की है। शिंदे गुट के उम्मीदवार है सरनाइक, और ओवला माझीवाड़ा से फिर से जो है चौथी बार उन्होंने जीत दर्ज की है। और डोंबिवली से इस बार पीडब्ल्यूडी के विभाग मंत्री और बीजेपी से उम्मीदवार डोंबिवली विधानसभा सीट से चौथी बार उन्होंने जीत जो है दर्ज की है, और रविंद्र चौहान ने यहाँ पे जो है डोंबिवली से जीत दर्ज की। लगातार जो है वो विधानसभा सीट से यहाँ चौथी बार जीते हैं और पीडब्ल्यू विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं। वही बेलापुर से इस बार महायुति बीजेपी के उम्मीदवार मंदा मात्रे ने जीत दर्ज की है, और इसी के साथ एरोली विधानसभा सीट से इस बार बीजेपी के उम्मीदवार गणेश नाइक ने यहाँ शानदार जीत जो है दर्ज की है। पनवेल से जो है बीजेपी के उम्मीदवार प्रशांत ठाकुर ने जीत दर्ज की है, और पालघर सीट से शिंदे गुट के उम्मीदवार राजेंद्र गावित ने जो है जीत दर्ज की है। वहीं वसई विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार स्नेहा दुबे ने जीत दर्ज की है। वहीं नाला सुपारा इस बार काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा, नाला सुपारा इस बार काफी लाइमलाइट में बना रहा। वहीं नाला सुपारा विधानसभा सीट पर भी कमल खिला है, बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक ने यहां से जो है जीत दर्ज की है। वहीं थाने शहर से बीजेपी के उम्मीदवार संजय मुकुंद केलरकर ने अपनी प्रतिद्वंदी शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार को हरा कर यहां पे जीत दर्ज की है। वहीं कोपरी पांचखड़ी में जो है महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहां से भारी बहुमत में जीते हैं। एकनाथ शिंदे जो है कोपरी से लगातार चुनाव जीते आए हैं, और इस बार फिर से उन्होंने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। वही मुमरा कलवा से एनसीपी उम्मीदवार शरद पवार गुज के उम्मीदवार अवर जितेंद्र सतीश ने यहां से जीत दर्ज की है, और ये लगातार जो है काफी सारे यहां पे चौंका देने वाले नतीजे जो है इस बार सामने आए। देखिए ये सभी जो है हमने नाम आपको बताए हैं, इससे आपको साफ हो पाएगा कि कौन से सीट से कौन सा उम्मीदवार इस बार बाजी मारा है।